بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि आशरे ज़िलहिज्जा की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आशरे ज़िलहिज्जा में किया हुआ नेक अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। आशरे ज़िलहिज्जा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब इबादत फरमाते थे, इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि खूब इबादत का अहतमाम करें। हदीस में यह भी आता है कि आशरे ज़िलहिज्जा में रोज़ा रखने का सवाब एक रोज़े का सवाब एक साल रोज़ा रखने के बराबर है, और आशरे ज़िलहिज्जा की रात में इबादत करने का सवाब लैलतुल क़द्र की रात में इबादत करने के बराबर है। इसीलिए रोज़े रखने का अहतमाम करें, और रातों में हो सके तो कुछ ना कुछ टाइम इबादत में लगाने की कोशिश करें। अब कौन से रोज़े रखें, नफल रोज़े रखें या क़ज़ा रोज़े रखें, ये माइंड में आता है ना कि कौन से रोज़े रखें। अगर क्या क़ज़ा रोज़े भी रख सकते हैं तो इस मसले को भी आप लोग समझने की कोशिश करिए कि आशरे ज़िलहिज्जा में नफली रोज़ों का सवाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके कुछ क़ज़ा रोज़े बाकी हैं, रमज़ान के कुछ रोज़े आपके छूट गए थे, तो ये एक उसूल याद रखें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि उसूल जब आप समझ जाओगे ना, तो इस तरह के अगर 50 मसले भी आपके सामने आएंगे तो इस उसूल की रोशनी में वो 50 मसाइल आप सॉल्व कर सकते हो। वो उसूल क्या है कि फ़र्ज़ जो होता है ना उसको अदा करना हर हाल में ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी ने कुछ फ़र्ज़ छोड़ दिए थे, जैसे कि रमज़ान के रोज़े रखना ये फ़र्ज़ है, दिन भर में 5 वक्त की नमाज़ें ये फ़र्ज़ हैं, तो जो फ़र्ज़ इबादात हैं अगर वो बंदा छोड़ दे जानबूझकर और उनकी क़ज़ा भी ना करे और इस दुनिया से चला जाए, तो आखरत में उससे हिसाब होगा कि ये फ़र्ज़ इबादत तुम्हारे ऊपर थी, तुमने इसको अदा क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया। और नफली जो इबादतें होती हैं उनका कोई हिसाब नहीं होगा आखरत में। आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो हिसाब व किताब नहीं है। यानी ये चॉइस पर डिपेंड करता है। आप ज़्यादा इबादत करोगे तो सवाब खूब बढ़ेगा, लेकिन नफली इबादत जो होती है उसका आखरत में कोई हिसाब नहीं होगा। कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो हिसाब नहीं है। अब आप ये समझो कि आशरे ज़िलहिज्जा में जो रोज़े होते हैं तो वो नफली रोज़े होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़िलहिज्जा से लेके 9 ज़िलहिज्जा तक रोज़े रखा करते थे, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आशरे ज़िलहिज्जा में रोज़े रखने का सवाब बहुत ज़्यादा है, सहाबा इकराम भी रखा करते थे। लेकिन अगर हमारे क़ज़ा रोज़े हैं, रमज़ान के कुछ रोज़े हमारे छूट गए थे, ख़वातीन के पीरियड में रोज़े छूट जाते हैं, तो आप इन रोज़ों की, यानी जो आपके रमज़ान के रोज़े छूटे हुए हैं उन रोज़ों की क़ज़ा करो, ये ज़्यादा बेहतर है। और एक हदीस मिलती है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा के लिए मुझे ज़िलहिज्जा के 10 दिनों से ज़्यादा कोई दिन महबूब नहीं है। तो आशरे ज़िलहिज्जा में अगर आप क़ज़ा रोज़े हैं आपके, तो फिर आप क़ज़ा रोज़े ही रखो। नियत कैसे करनी है, सिंपल सा तरीका होता है नियत का। आपके जितने भी रोज़े छूट गए थे, मान लीजिए आपके इस रमज़ान में 6 रोज़े छूट गए थे, तो आप नियत कर लो कि अल्लाह मेरा वो 6 रोज़े छूट गए थे तो उसमें से पहला रोज़ा मैं रखने जा रही हूँ। बस ऐसे नियत हो गई आपकी, या आपने दिल में सोच लिया तब भी नियत हो गई, ज़बान से कह लिया तब भी आपकी नियत हो गई, ठीक है। और अगर आप नफली रोज़ा रखना चाहो तो सिंपल सा तरीका है, आप सहरी में उठो या रात को नियत करके सो जाओ कि मेरा कल का रोज़ा होगा, नफली रोज़ा मैं रखूँगी, हो गई नियत आपकी। तो आशरे ज़िलहिज्जा में रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा सवाब है। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप रोज़ा रखने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के शुरू के 9 दिन रोज़ा रखा करते थे, ये हदीस में मौजूद है। इसीलिए आशरे ज़िलहिज्जा में रोज़े रखना चाहो तो रोज़े रख लो, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक से लेकर 9 रोज़े रखो, आप छोड़ छोड़ के 2 रख सकते हो, 2 रख लो, 3 रख सकते हो, 3 रख लो। कुल मिला के ये जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितने ज़्यादा रोज़े रखेगा उतना सवाब पाएगा, ठीक है। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रख लो, जिसको आरफे का दिन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी क़ज़ा रोज़े हैं तो फिर आप क़ज़ा रोज़े पहले अदा करो, ठीक है, नफली रोज़े मत रखो। तो मुझे उम्मीद है कि ये रोज़ों का मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।